नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के फौरन बाद पूर्व की सपा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले की जांच के आदेश दिए गए। अब आरोप लगा है कि दरअसल 1513 करोड़ की परियोजना में 1437 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी काम 65% ही पूरा हो पाया है। यही नहीं, परियोजना की 95% रकम निकाल ली गई है। वहीं मामले में योगी सरकार ने मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के जांच कराने के आदेश दिए थे। हालांकि रिपोर्ट में कई खामियां उजागर हुई हैं। वहीं मामले में सीबीआई जांच की रफ्तार भी धीमी पाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई की जांच किसी दबाव में हो रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। घोटाले की जांच में तेजी और रिवर फ्रंट घोटाले में सुस्ती। देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई यूपी में बड़े घोटालों की जांचें कुछ इसी अंदाज में कर रही है। रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़े सैकड़ों टेंडरों की जांच अभी तक शुरू ना होना 3 साल से जारी सीबीआई जांच को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। सीबीआई ने अभी तक रिवर फ्रंट घोटाले की जांच से जुड़े सैकड़ों टेंडरों को छुआ ही नहीं है। ऐसे में साफ लग रहा है कि इस घोटाले की बड़ी मछलियों पर देश की शीर्ष जांच एजेंसी पूरी तरह मेहरबान है। सिंचाई महकमे के जिन अफसरों और इंजीनियरों के भ्रष्ट तंत्र ने गोमती के किनारों को संवारने की योजना का बजट 600 करोड़ से सीधे 1500 करोड़ तक पहुंचा दिया, उसमें से 8 इंजीनियरों के खिलाफ दिसंबर 2017 में FIR करके सीबीआई चुपचाप बैठ गई। एक भी घोटालेबाज की गिरफ्तारी करना सीबीआई ने मुनासिब नहीं समझा। विपक्ष सीबीआई को सरकारी तोता करार दे रहा है। सरकार के कथने और करने में बहुत अंतर है। नियत इस सरकार की बिल्कुल खराब है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल है। ये लोग सीबीआई को तोते के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनको दबाना होता है उसी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। बाकी उस दबाव में जिससे लाभ लेना होता है बस उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारियों की संरक्षण दाता है। रिवर फ्रंट घोटाले में ना ही तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सिंघल पर सीबीआई का शिकंजा कसा और ना ही अखिलेश सरकार में सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव से पूछताछ हुई। सियासी समीकरण साधने के लिए भाजपा सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल को मायावती वाला बड़ा बंगला तक दे डाला। हालांकि भाजपा का दावा है कि किसी भी बड़े भ्रष्टाचारी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुए जो बड़े पैमाने के घोटाले थे, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे GNIPC हो, चाहे स्मारक के घोटाले हो, चाहे जल निगम में भर्तियों के घोटाले हो, उन सब पर हमने कहीं SIT से जांच, कहीं CBI की जांच, चूंकि उसमें राजनीतिक लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप न लगे तो निष्पक्ष जांच के लिए CBI को दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिसने भी भ्रष्टाचार पूर्व में किया है उसके खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देर भले हो लेकिन जिसने अपराध किया है उसको उचित स्थान पर सरकार पहुंचाने का काम करेगी। CBI ने करीब 400 टेंडरों को जांच से अभी तक बाहर रखा है। इसमें सिल्ट निकालना, सफाई कराना, जलकुंभी हटाना, मिट्टी हटाने जैसे ऐसे तमाम काम शामिल हैं जिनका बजट कई गुना बढ़ाकर कमीशन खोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। इसमें रिवर फ्रंट के दोनों तरफ 80 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर की डायफ्राम वॉल, फ्रांस से मंगाया गया 45 करोड़ का फव्वारा, 4 करोड़ की वाटर बस भी शामिल है। CBI को घोटाले के दस्तावेज देने के लिए नोडल अफसर बनाए गए अधीक्षण अभियंता RK जैन के मुताबिक सिंचाई विभाग जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। CBI लगातार 2 साल से जांच कर रही है और जो दस्तावेज हमसे मांगे जाते हैं हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अब हमें ये फिगर याद नहीं है कितने टेंडर ऐसे हैं, लेकिन जो भी हमसे मांगेंगे हम उनको दे देंगे। रिवर फ्रंट घोटाले के अरबों के बजट से अफसरों और इंजीनियरों ने विदेशी दौरे तक किए। गेमन इंडिया जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके देकर रिवर फ्रंट घोटाले की नींव रखी गई थी। यूपी का सियासी पारा चढ़ाने वाले इस घोटाले की CBI जांच फिलहाल भगवान भरोसे ही चल रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले रिवर फ्रंट घोटाले की CBI जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके बावजूद जिस तरह से CBI जांच आगे बढ़ रही है वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की साख पर बट्टा जरूर लगा रहा है और रिवर फ्रंट के घोटालेबाज बेखौफ हैं। न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन गौरव के साथ लखनऊ से मैं मनीष श्रीवास्तव।
और हमारे साथ यहाँ पर प्रमुख संवाददाता जुड़ गए हैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष, यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 600 करोड़ रुपए कुछ में होने वाला था, जो कि 1513 करोड़ रुपए में भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया और अभी तक 60% ही काम पूरा हो पाया है। सीबीआई ने जो है वो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। क्या बात सामने आ रही है कि सीबीआई ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या सीबीआई किसी दबाव में काम कर रही है? देखिए रश्मि, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था और इसको 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1500 करोड़ पहुंचाया गया था। इसमें जो भी कंपनियां लगी थी वो सिंचाई विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, फिर भी उनको ठेके दिए गए और इन कंपनियों पर सीबीआई ने अभी तक कोई भी शिकंजा नहीं कसा। किसी भी बड़े आईएएस अफसर पर किसी भी तरह की न पूछताछ की और न ही शिकंजा कसा। केवल जो 8 इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर यहाँ लोकल पुलिस में दर्ज कराई गई थी, सीबीआई ने केवल उन्हीं को उठाया और किसी को अभी तक ना पूछताछ की। तत्कालीन मंत्री पर भाजपा सरकार मेहरबान है, उनको बड़ा बंगला दे दिया गया है और प्रमुख सचिव रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में रिवर फ्रंट घोटाले की जो जांच है वो कहीं ना कहीं सीबीआई, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। इस घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को भी अंजाम दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली ईडी इस घोटाले की भी जांच कर रही है, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ 3 इंजीनियरों की 1 करोड़ की संपत्ति ही जब्त की है। ऐसे में सीबीआई और ईडी दोनों की कार्यप्रणाली रिवर फ्रंट घोटाले में जांच के घेरे में खुद है। जी मनीष, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है यूपी सरकार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, सीबीआई की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी 8 इंजीनियरों के खिलाफ, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, यहां तक कि शिवपाल यादव का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई को अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा गया, और सीबीआई की तरफ से अगर कोई जांच नहीं हुई तो यूपी सरकार क्या कर रही है? रश्मि, आप बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रहे हैं और तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसकी जांच उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में रिवर फ्रंट घोटाले की जांच पर ब्रेक लगना कहीं ना कहीं सरकार और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार के जो जिम्मेदार हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई अपनी कार्यप्रणाली किसी से नहीं बताती है और आने वाले समय में इसमें जो बड़े घोटाले बाद रिवर फ्रंट के थे उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अब कितना शिकंजा कसा जाएगा, कितने आईएएस अफसरों से पूछताछ हुई, पूर्व प्रमुख सचिव दीपक सिंघल जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे थे, उनके ऊपर तमाम घोटालों के आरोप पहले से लगे थे, उसके बावजूद सीबीआई का रिवर फ्रंट घोटाले में उनसे कोई पूछताछ ना करना, रूप सिंह यादव जो इस पूरे रिवर फ्रंट घोटाले का सबसे बड़ा सूत्रधार था, सीबीआई ने उससे भी कोई पूछताछ नहीं की। ईडी ने छापेमारी की, वो भी ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ जिनके पास से ईडी को कुछ नहीं मिला। कई राज्यों में ईडी ने छापेमारी की, उसके बाद केवल और केवल 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। तो ये कहीं ना कहीं रिवर फ्रंट घोटाले की जांच पर ब्रेक ये लंबे समय से लगाए, तकरीबन 3 साल होने को आए और सीबीआई सिर्फ इसी घोटाले में सबसे पीछे है। खनन घोटाले में सीबीआई ने हाल ही में अखिलेश यादव के विधिक सलाहकार से पूछताछ की है, अब संभावना जताई जा रही कि सीबीआई अखिलेश यादव से भी पूछताछ कर सकती है। उत्तर प्रदेश में तमाम और घोटाले जिनकी जांच तेजी से हो रही है, लेकिन रिवर फ्रंट घोटाले की जांच पर ब्रेक क्यों लग रहा है, इसका जवाब सरकार भी नहीं चाहती है, वरना सरकार इस घोटाले की जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोई तो कदम उठाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, फिलहाल आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद। नवीन जी, यहाँ पर जिस तरीके से रिवर फ्रंट की जो जांच है सीबीआई को सौंपी थी यूपी सरकार ने, अब वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 साल होने को आ गए और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सीबीआई के साख पर जो सवाल उठ रहा है वो तो उठ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी सरकार इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों हो रही है और सीबीआई पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा मुझको अप्रासंगिक लग रहा है, इसलिए कि सीबीआई जांच में प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, ना कोई शिकंजा है। रही मुख्य बात जो है, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हमारे दो विषय मुख्य थे, एक तो कानून व्यवस्था को ठीक करना, दूसरा भ्रष्टाचार उन्मूलन करना।
और हमने जो जो ऐसे मसले थे, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे जेएनआईटीसी हो, चाहे जल निगम में भर्तियों के घोटाले हो, चाहे सहकारिता में भर्ती के घोटाले हो, उन सारे की जांच निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए विशेष एजेंसियों को दिया गया, कुछ सीबीआई को दिए गए, कुछ में एसआईटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही है उस हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। एक बात मैं और बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार के जो बड़े घोटाले करने वाले लोग बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, धूर्त होते हैं, चतुर होते हैं, वह अपने पीछे जल्दी सबूत नहीं छोड़ते हैं। एजेंसियों को सबूत इकट्ठा करने में एक बहुत लंबा वक्त लगता है। आप याद करिए पी चिदम्बरम को जेल में भेजने के लिए देश की सारी एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी थी, ईडी हो, सीबीआई हो, सारे, लेकिन सबूत इकट्ठा करने में वर्षों लग गए। उत्तर प्रदेश में यह विश्वास रखिए कि जो भी घोटाले हुए हैं सरकारों में, जो भी हमारी सरकार ने जांच के लिए दिए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति कितना हो प्रभावशाली, किसी सरकार में रहा हो या आज भी हो, वह इस घोटाले की जांच में बचेगा नहीं। लेकिन नवीन जी, सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 3 साल हो गए हैं एफआईआर दर्ज हुए। खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं ब्रजेंद्र सिंह। यहाँ पर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी ब्रजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है, आपकी बोलिए। जी 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 ब्रजेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से लखनऊ में गोमती फ्रंट को लेकर यहाँ पर बड़ा घोटाला हुआ था, उसको लेकर सीबीआई जांच भी सौंपी गई और 3 साल हो गए हैं, अभी तक उसको लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही किसकी होगी? सीबीआई किसी के दबाव में काम कर रही है या फिर जो जैसा कि नवीन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ना कोई अगर कोई घोटाला होता है तो काम अपना हो रहा है लेकिन किसी भी चीज में समय लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाती है, जीरो टॉलरेंस की बात करके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के 3 साल में 8 बड़े घोटाले जनता के सामने आ चुके हैं अब तक। चाहे वो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों का 2267 करोड़ रुपया कर रहा हो, चाहे परफॉर्मेंस घोटाला पंचायती राज कर रहा हो जो विधानसभा में भी उठ चुका है, चाहे इनका जल निगम का, एक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए शुद्ध पेयजल और सीवर लाइन का 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसी फ्रॉड कंपनी को दिया गया है जिसको ये खुद इनकी सरकार ब्लैकलिस्टेड कर चुकी है। घोटाला दर घोटाला होता जा रहा है और विपक्ष पर अभी एक नाम ले रहे थे कि उनको हम जांच एजेंसी को बड़ा टाइम लगा, टाइम तो लगेगा ही, जब आप झूठ जांच कराएंगे और सत्य घोटालों को छिपाएंगे तो टाइम लगेगा, केवल परसेप्शन बनाते हैं कि साहब फलाना घोटाला हुआ, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, बस एक कीचड़ उछाल देंगे कि साहब फलाना घोटाला हो गया, फलाना घोटाला होगा, और अपने घोटालों की जांच या किसी घोटाले की, एक एक जनता के बीच में लोगों की छवि धूमिल करना, बस यही भारतीय जनता पार्टी का और छलावा है। जांच सीरियस किसी चीज में नहीं हो रही है। देखिए, कोई इनका सरकार आई है चली जाएगी ऐसे, और घोटाले दर घोटाले इनके खुद सरकार में होते रहेंगे। और इतना सुंदर गोमती बन रही थी, अगर साथ था तो अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन तो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से सीबीआई किसी दबाव में काम कर रही है, किसकी लापरवाही आपको यहां पर लग रही है? सीबीआई का या किसी भी एजेंसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, वो तो जिसको कहेंगे वही, अब तो कोई संस्था नाम की चीज ही खत्म हो गई भारत में, वो सब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं सारी संस्थाएं। आप एक तरफ से देखिए, जब इनको सूट करेगा तब किसी के यहाँ छापा पड़ना शुरू हो जाएगा, जब इनको सूट करेगा तो किसी की जांच खुल जाएगी, इसके बाद वो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। ठीक है ब्रजेंद्र जी, यहाँ पर नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए, ब्रजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सारी संस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया है। 1975 में देश में इमरजेंसी हमने लगा दी थी, चुनाव हम हारते हैं तो चुनाव आयोग ईवीएम पर हम आरोप लगाते हैं। सबसे पहले आप ही लगाया था, ब्रजेंद्र जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था, सुनिए जरा, ध्यान रखिए। जी जी, बहुत दिन से आप नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए फिर बोलिएगा जी। सारे देश की संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने वाली कांग्रेस अगर किसी को ज्ञान दे रही है तो जी हंसी के पात्र है। रही बात, इन्होंने कुछ घोटालों की बात बताई, बिजली विभाग का घोटाला हुआ, करने वाले अधिकारी जेल में है, उनके उनकी सारी संपत्ति जब्त की गई, वो जेल में है। इन्होंने जल निगम घोटाले की बात की, जल निगम घोटाला जिसके साथ मिलकर 2017 में चुनाव लड़े थे वो आजम खान साहब थे, वो उसकी भी सारी जांच हो गई, सारी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने पहले भी कहा कि चाहे पिछली सरकार का हो या हमारी सरकार में भी कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है
तो हमने निष्पक्षता से कार्रवाई की है और प्रभावशाली कार्रवाई की है। आज जिस पर आप चर्चा कर रही है गोमती रिवर फ्रंट की, निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद तत्काल हमने सीबीआई को इसको दिया था, सीबीआई अपनी जांच करी, सीबीआई सारे दस्तावेज जुटा रही है। राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी थी, इंजीनियरों को जो उसके अधिकार में था उनको निलंबित करना, वो सारी कार्रवाई हमने किया है। और कांग्रेस की बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में इनके नई नई सरकार बनी है, इनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। अब सीबीआई अगर छापा डालती हो किसी के घर से करोड़ों 100 करोड़ से अधिक की नकद मुद्रा मिलती है, करोड़ों के सोने मिलते हैं, तो फिर तो ये कहेंगे कि साहब टाइमिंग आपकी गलत थी, हमको हटा लेने का मौका देते तो ये टाइमिंग आपकी सही होती। तो जो पैसों में मिला उसको एजेंसी को बताने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा डालने गए थे, अब कहीं आया 100 करोड़ रुपया मिला कि आप ही को सूचना दी गई है, काहे परेशान है। यही मैं कह रहा हूँ एजेंसियों को, इन लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है, यहाँ हमारी बौखलाहट ठीक है। ब्रजेंद्र जी रुकिए, नवीन जी यहाँ पर सवाल इसलिए बार बार उठ रहे हैं, आपने जैसा कि और घोटाले के जो आपने नाम गिनाया यहाँ पर, इस घोटाले का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछिए कौन सी जांच शुरू हुआ। नहीं जैसा कि यहाँ पर नवीन जी ने, ब्रजेंद्र जी जैसा कि नवीन का मामला है, 32,000 करोड़ रुपए का कौन सी जांच शुरू हुई, ब्रजेंद्र जी का दोष नहीं है, इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं ना, वो जिस प्रकार से संसद में झप्पी मारते तो आंख मारते थे, वही आदत इन लोग की हो गई है। बिना सिर पैर की बात करें, आप जिम्मेदार पार्टी हो आपकी करिए ना कुछ सिर पर नहीं है, आप ब्रजेंद्र जी नवीन जी रुकिए, माफी चाहती हूँ आप दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कायम रिजवी जुड़ गए हैं, पूर्व महासचिव है इंजीनियर एसोसिएशन यूपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार, थैंक यू। सर यहाँ पर यही चर्चा चल रही है जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट को घोटाले की ये बात सामने आई थी, और अब 3 साल हो गए एफआईआर दर्ज हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि सीबीआई के किसी दबाव में काम कर रही है, जैसा कि नवीन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं किसी भी चीज में समय लगता है और सारे काम अपने हिसाब से होंगे, जो भी इसके दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन समय लगता है। आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा ये कहना है कि गोमती रिवर फ्रंट का जो काम हुआ, और बहुत से काम होते हैं जो सरकार के दबाव में इंजीनियर्स को करने पड़ते हैं, ना सहमत होते हुए भी जो है उस काम से उसको इंजीनियर्स को करना पड़ता है, लिहाजा अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो जांच करी गई, इसमें एक लिस्ट बनाई गई, ये जुलाई 2017 को मुख्य अभियंता शारदा सहायक ने एक रिपोर्ट भेजी शासन को, जिसमें उन्होंने बताया कि इतने इतने लोग इस पीरियड में जब तक ये काम हुआ इसमें इतने इतने लोग कार्यरत थे, और उसमें से जो है वो ज्यादातर लोग रिटायर हो गए, जब ये सरकार आई तब वो रिटायर हो चुके थे, 3 लोग जो है सेवा में बचे हुए थे जो लिस्ट बनी थी उस तक, मार्च 2017 तक जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों की, उसमें जो है वो जब 3 लोग बचे थे तो उन 3 लोगों को बिना वजह जो है उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, उसमें से 2 लोग जो है रिटायर भी हो चुके हैं और उनकी अभी तक मेंशन नहीं मिली। मसला ये है कि जब जो है जांच जिस चीज की करी जा रही है, इसमें जो वास्तविक दोषी हैं उनके ऊपर तो उनका तो नाम भी नहीं आया, जैसे जो है जब भी जो है इस प्रोजेक्ट का काम हो रहा था और उसकी हर 15 दिन पर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव के स्तर पर जो है मुख्य सचिव के स्तर के ऊपर जो है इस पे मॉनिटरिंग इसकी हो रही थी, और हर 15 दिन पर माननीय मंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव दीपक सिंघल साहब जो है साइट के ऊपर जाकर अभियंताओं के साथ में मीटिंग करते थे, एक एक काम की जायजा लेते थे, एक एक काम की मॉनिटरिंग होती थी, और उसके बाद भी जो है उन लोगों का कहीं नाम नहीं, खाली इंजीनियर दोषी इसमें पाए गए। मुझे इस बात की शिकायत है, जांच जो गलत काम हुआ उसकी जांच हो जरूर हो पर निष्पक्ष हो, ठीक है, कायम जी, कायम रिजवी जी, जो है दोष देना ये उचित नहीं है, ठीक है। कायम रिजवी जी इसका जवाब सीधे नवीन श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं। नवीन जी जवाब दीजिए, कायम जी ये कह रहे हैं कि जो सच में दोषी है उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई नहीं है। देखिए इन्होंने एक पट सारी बात बताई, इन्होंने जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक कमेटी गठित की जिसकी रिपोर्ट दी, उस समय जब ये गोमती रिवर फ्रंट के काम हुए थे तो कौन से अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी बनती है,
और ये इंजीनियर संघ के पदाधिकारी हैं, एक चीज इन्होंने सोचा कि सरकारों के दबाव में हम करते हैं। सरकारों के दबाव में क्यों करते हैं? मैं एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ। हाई स्कूल इंटर में जब बच्चे टॉप करते हैं तो अखबारों में उनका निकलता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर आईएएस बनना चाहता हूँ समाज के लिए। ईश्वर के पास उसमें से कुछ बच्चे आईएएस बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, क्लास में जो सबसे टॉपर होते हैं वो इंजीनियर भी बनते हैं। तो आखिर इंजीनियर आप समाज सेवा के लिए बनते हैं, आईएएस समाज सेवा के लिए बनते हैं, फिर ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी होती है कि आप राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेक देते हैं, उनके दबाव में आप काम करते हैं? अगर आपने घुटने टेके हैं, आपने गलती की है, मजबूरी वही है जो जल निगम के साथ किया जा रहा है। ये सरकार सुन लीजिए, जल निगम के काम जो है दूसरी संस्था को दी जाए जहाँ पर कोई टेक्निकल अफसर ना हो और इसके सुनिए पहले करने की और उसके बाद सुन लीजिए जरा। तो इस प्रकार की जब चीजें सामने आई तो इसीलिए सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई को इसकी इंक्वायरी सौंपी, क्योंकि उसमें बड़े राजनीतिक लोग आईएएस अफसरों के भी, सिर्फ इंजीनियर नहीं, कहीं ना कहीं ये चीजें संज्ञान आ रही थी कि प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस सीनियर आईएएस हैं, राजनीतिक लोग जो हैं उनका भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिया गया है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमको अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग, सब पर भरोसा करना चाहिए। न्याय होगा, जांच की रिपोर्ट आएगी, न्यायपालिका उसका फैसला करेगी कि सही है गलत है। ब्रजेंद्र जी की बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ, इन लोगों की जो जांच हो रही है, इनके यहाँ जो लोग पकड़े जा रहे हैं, रिपोर्ट की वजह से इनकी परेशानी है। ठीक है नवीन जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए, हमारे प्रमुख संवाददाता है। ठीक है नवीन जी, एक बार मनीष आपके पास आना चाहूंगी मैं फिर से। यहाँ पर हम लगातार यही बात कर रहे हैं और जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, हर चीज में समय लगता है और जांच होगी, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई भी होगी, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। ये जो समय लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये घोटाला बड़ा है, इस वजह से इसमें ज्यादा समय लग रहा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर 20-20 सालों में इतने बड़े बड़े घोटालों की जांचें करके देगी तो ये कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की साख पर बट्टा लगाएगा। रिवर फ्रंट घोटाले में सब कुछ आईने की तरह साफ है। तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सिंघल थे, सिंचाई विभाग के मुख्य सचिव थे और प्रमुख सचिव वित्त, ये तीन बड़े अफसर ऐसे थे जो रिवर फ्रंट घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इन्हीं अफसरों के कहने पर एक एक योजना में टेंडर फाइनलाइज किए गए और अब सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के उन इंजीनियरों पर डाली जा रही है जो महज प्यादे की तरह काम कर रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों को कोई भी जांच एजेंसी रही हो वो बख्श क्यों देती है, ये एक बड़ा सवाल है। किसी भी आईएएस अफसर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जांच नहीं होती है, जांच में नाम आता है तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। आप उत्तर प्रदेश के पीएफ घोटाले को ही ले लीजिए। पीएफ घोटाले में पूर्व एमडी और दो डायरेक्टर जो रिटायर हो चुके थे उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन जो तत्कालीन ट्रस्ट के चेयरमैन थे संजय अग्रवाल और आलोक कुमार, उनको जांच से क्लीन चिट दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की थी लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे पीएफ घोटाला हो, जितने भी बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें जो बड़ी मछलियां रहती हैं उनको जांच एजेंसियां हर बार क्लीन चिट देती आई हैं। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर नवीन जी आप से मैं फिर से जानना चाहूंगी, यही जिस तरीके से मनीष ये कह रहे हैं, आप कुछ भी कहिए लेकिन जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उठ रहा है सीबीआई पर, सीबीआई की साख पर। आप भी अगर ये चीज हमें आश्वासन दे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सीबीआई ठंडे बस्ते में चली गई है और ये मामला कहीं ना कहीं जो ठंडा होता जा रहा है, फिर से मामला उजागर होगा और सीबीआई बड़े अच्छे से अपनी ये जांच है वो करेगी और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं पहले मनीष जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी जी दीजिए। शायद खनन घोटाले की इनको जानकारी नहीं है जिसमें कई आई सत्रों के छापे पड़े, उनको हटाया गया, उनकी संपत्ति जब्त की गई, उनके यहाँ से पैसे जब्त किए गए, 3-4 आई एस अभय वगैरह 3-4 आई एस सत्रों के नाम सब लोग जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्नाव के कलेक्टर को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच भी बिठाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार में अगर भ्रष्टाचार करने वाला कोई बड़ा अधिकारी है या बड़ा नेता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमको अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। अधिकारी हो चाहे राजनीतिक व्यक्ति कितना हो, प्रभावशाली हो, हमारी सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से गोमती रिवर फ्रंट पर भी पर्याप्त सबूत हाथ में आते ही सबके खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी भी इसमें संलिप्तता होगी।
लेकिन यह कहना कि सिर्फ इंजीनियरों को बलि का बकरा बनाया गया बाकी लोग फूट गए ऐसा नहीं है। पीएफ घोटाला हो चाहे जो भी घोटाला हो जिसकी संलिप्तता है विस्तृत जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाए गए उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है और रिवरफ्रंट घोटाले में भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल नवीन जी, यही हम चाहते हैं कि इस पर भी कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें भी सजा हो, ताकि इस तरीके के जो घोटाले हैं भले ही वो सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो लेकिन जो कि 600 करोड़ में बनने वाला था वो 1500 करोड़ में भी नहीं बन पाया है और 95% जो रकम मतलब पहले ही आवंटित कर दी गई थी उसके बाद भी अभी तक 60% काम भी पूरा नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और सीबीआई की जो जांच है वो भी कहीं ना कहीं हल्की पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से यहाँ पर ये सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि इस पर होगी और जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।